नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज मैं आपको 999 के बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए, बहुत ही अलग सा नंबर है ना 999, है या 99, 9:09, कितना अलग सा ही है ये ना। नौ नंबर अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो मंगल का नंबर होता है। मैं एस्ट्रोलॉजी कोई बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, हम सिर्फ ये नंबर देख रहे हैं। ट्विन जर्नी में है या आध्यात्मिक रास्ते पे हम चल रहे हैं। जब हमारा सफ़र हम अकेले होते हैं ना, और ये सफ़र सिर्फ हमारा होता है, और ये लड़ाई सिर्फ हमारी होती है, और हमारे साथ देने वाला हर एक इंसान हमसे भाग जाता है, तब जाके ये नंबर हमें दिखाई देने शुरू होते हैं। नंबर के बाद मैं आपको बहुत ही अलग तरीके से बताना पसंद करूंगी, जो कि मेरा अनुभव है। जब हम नंबर 99 देखते हैं, हम किसी के साथ बहुत ही गहरे प्यार में होते हैं, ठीक है। कोई भी प्यार, देखिए प्यार ये लवर का हो गया या घर फैमिली को लेके लगा लिया, हम प्यार की बात कर रहे हैं। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं या आप ट्विन जर्नी में हैं, ट्विन जर्नी के तो कहने ही नहीं हैं, क्योंकि इस रिश्ते से ऊपर कोई रिश्ता होता ही नहीं है, ठीक है। अगर हम ट्विन जर्नी में किसी के साथ हैं, आप बहुत ज़्यादा उनके साथ अपना आध्यात्मिक कनेक्शन फील करते हैं कि मेरा भगवान का बनाया एक कनेक्शन है जो कभी टूट नहीं सकता है। जब आप ऐसे रिश्ते में होते हैं या आप किसी भी कार्मिक रिश्ते में होते हैं, तब हमें 99 नंबर ज़्यादा दिखता है। और ये नंबर आपको इसलिए दिखता है क्योंकि आप और ज़्यादा अपने जीवन में प्यार चाहते हैं। आपको जो प्यार आपके पार्टनर से मिल रहा होता है, उसमें आपको कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है, और आप ये सोचते हैं कुछ अलग ढंग से ये मुझसे प्यार करे, या मुझे कुछ और अलग ढंग से मुझे मिलना चाहिए। ये नंबर ये बताता है एक कार्मिक साइकिल को। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, आपने हर जगह से देखी होगी कि कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो रही होती हैं, और कुछ बातें हमने जो बिन वजह ही पकड़ी हुई होती हैं, उनकी वजह से हमारा रिलेशनशिप ख़राब होता है। हम खुद ख़राब कर देते हैं उस रिलेशनशिप को, लेकिन इसमें एक बदलाव आता है आपके पार्टनर के अंदर आपके बिहेवियर को देख के, जिससे वो एक डिसीज़न ऐसा लेते हैं कि या तो आपकी आपसे उनका मिलने का समय, जैसे कि पहले उन्होंने 4 बजे का टाइम आपको दे रखा है और वो काफ़ी समय से ऐसा ही चलता आ रहा है, तो उनका टाइम चेंज हो जाएगा, उनका आपसे मिलने का पैटर्न चेंज हो जाएगा। हो सकता है वो अलग तरीके से आपसे मिलना शुरू कर दें, इस प्यार को और ऊंचे लेवल तक ले जाना चाहते हैं वो भी, और जो कि आपने कभी सोचा भी ना हो। इस तरह की एनर्जी आपको देखने को मिलेगी जब आपको नंबर 99 देखने को मिलता है। ये नंबर बहुत ही अलग नंबर है, ठीक है। इस नंबर का मतलब होता है बदलाव, कार्मिक चीज़ें ख़त्म होना, पुरानी चीज़ों का खात्मा होके नई तरीके से शुरुआत होना। और प्यार के मामले में तो बहुत ही अलग नंबर है ये। आपके जीवन में प्यार नए तरीके से आएगा, जैसे आपके पार्टनर आपको प्यार कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा जब ये 9 नंबर आपको दिखता है। कईयों को तो ये नंबर सपने में भी दिखाई देने लगता है। सपने में आप 99 चिल्ला सकते हैं, बच्चों की आवाज़ से आपको 1919 सुनने को मिल सकता है। ये नंबर ना 19 हो गया या 9 हो गया या 999 हो गया या 9:09 हो गए, कहीं पे भी आप ये नंबर सुन सकते हैं। बच्चों के मुंह से 9 9 9 चिल्लाते हुए बच्चे आपको खेलते हुए सुनाई दे सकते हैं। तो ये नंबर आपको कह रहा है आपके पार्टनर में चेंज आ रहा है, आपके प्यार में चेंज आ रहा है, आपके प्यार में ग्रोथ होने वाली है। ये नंबर यही बताता है। देखिए, मैं चाहूँ तो इस वीडियो को और लंबा बना सकती हूँ, लेकिन नहीं। सबसे बढ़िया मतलब जो है वो मैंने आपको बता दिया है, और यही इसका मतलब होता है, और ये आपको देखने को मिलेगा अगर आप 99 नंबर ज़्यादा देख रहे हैं। अगर आप 19 देख रहे हैं, ठीक है, और 69 नंबर देख रहे हैं आप, इनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। और जो वीडियो मैंने बनाया है ना मिरर नंबर का यही मतलब होता है। मिरर नंबर अलग होते हैं, और ये ट्रिपल 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 जो भी हम देखते हैं ये अलग होते हैं, इनके अलग मतलब होते हैं और मिरर नंबर के अलग मतलब होते हैं। मिरर नंबर हमें कब दिखाई देते हैं वो भी मैं अगले वीडियो में बताऊँगी, थोड़ा सा जान लेते हैं इसमें। मिरर नंबर हमें इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि अब हमारा जो जर्नी है ट्विन फ्लेम जर्नी, वो बहुत आगे, यानी कि फर्स्ट स्टेज से दूसरे स्टेज पे है या तीसरे स्टेज पे है, तब आपको ये मिरर नंबर दिखाई देते हैं।
ठीक है, क्योंकि ये जब हमारी तीसरी स्टेट होती है या हमारी दूसरी स्टेज होती है तब हमें ये नंबर दिखाई देते हैं, और ये नंबर ये कहते हैं कि बहुत हो गया आपका, ये चूहा बिल्ली का खेल, टॉम एंड जेरी का खेल, अब तुम्हें जो काम करना है वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो सेपरेशन आपको दिया जाता है ये इसीलिए दिया जाता है कि आप दोनों अपने अपने ऊपर काम करके अपनी मास्टर सोल में बाहर आ सकें और अपने आप को पहचान सकें। और आपका जो ट्विन है वो आपसे भाग रहा होता है, क्यों भाग रहा होता है, क्योंकि उसे पता नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी का। और आप जब मेडिटेशन के द्वारा अपने अंदर जाते हैं तो आपको वो साफ साफ दिखाई देने लग जाता है कि ये इंसान कौन है, क्योंकि वो आपके ही शरीर का एक हिस्सा है जो सदियों से टूटा हुआ है, जो सदियों से आपसे बिछड़ा हुआ है, और उसके बगैर आप अधूरे हैं, क्योंकि दिल आपके पास है और दिमाग उसके पास है। तो ये पूरा करने के लिए जब आप एक होते हैं तो आपकी एनर्जी एक हो जाती है, आपका अधूरापन ख़त्म हो जाता है, आपकी ज़िंदगी में सक्सेस के रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं, आप तरक्की की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। ट्विन जर्नी के बहुत मतलब होते हैं, मैं कभी सेशन लूँगी उसमें आपको ट्विन फ्लेम के बारे में बताऊँगी, ठीक है। ट्विन फ्लेम बहुत ही अलग रिश्ता है, इसको देखिए, वो शादीशुदा हैं या आप शादीशुदा हैं, आपको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए और आपके ट्विन जो हैं उनको उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश रहने देना चाहिए, उनको टॉर्चर नहीं करना चाहिए कि तुम किसी के साथ हो या नहीं हो। नहीं नहीं, ये रिश्ता तुम्हें तुम्हारे ही ग्रोथ के लिए मिला है, इस पर अपने ऊपर तुम्हें काम करना है और आगे बढ़ते चले जाना। देखो मैं कहाँ पे आ गई मिरर नंबर बताते बताते, मैं फिर आऊँगी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।